नमस्कार साथियों, मैं गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। आज हमारी चर्चा का विषय है 12 राशियां होती हैं और एक राशि का व्यक्ति 2 या 3 रत्न पहन सकता है। पंचमेश का रत्न और 9वें घर के स्वामी का रत्न, 10वें घर के स्वामी का रत्न। लेकिन यदि किसी को 3 रत्नों में से एक ही रत्न धारण करना हो तो वह कौन से रत्न का चुनाव करे। जैसे मिथुन राशि में पन्ना, फायर, ओपल और नीलम, ये 3 रत्न पहन सकते हैं। पन्ना आपके स्वास्थ्य के लिए, फायर ओपल आपकी एजुकेशन के लिए और नीलम आपके कैरियर को उठाने के लिए, उसमें जैक लगाने के लिए, आपके भाग्य को चमकाने के लिए। तो आपका भाग्य रत्न है नीलम आपके स्वास्थ्य के लिए, यानी कि आपका लगन और राशि रत्न है पन्ना और एजुकेशन के लिए ओपल। तो समस्त 12 राशियों के लोग यदि एक ही रत्न पहनना चाहें तो उसका क्या सॉल्यूशन है, यह आपको आज की वीडियो में जानने को मिलेगा। साथियों, इसका सीधा सीधा जवाब है, व्यक्ति को जो बीमारी हो वही दवा खानी चाहिए। किसी की आंखें खराब है तो वह पेट दर्द की दवा खाएगा तो उसको आराम नहीं मिलेगा। किसी के पेट में दर्द है और वह किसी अन्य बीमारी की, हड्डी मजबूत होने की दवा खाएगा तो भी उसको आराम नहीं मिलेगा। पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी, लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। किसी भी राशि वाले लोग 3 भावों के स्वामी के रत्न पहन सकते हैं। लग्नेश का रत्न व्यक्ति को धारण करना चाहिए। सर्वे दोषा विनश्यन्ति लग्न शुद्धिर यदा भवेत। लग्नेश का रत्न पहनने से व्यक्ति की समस्त प्रकार की समस्याएं, व्याधियां दूर होती हैं। लेकिन यदि आपको लगन, पंचम और नवम, इन तीनों में से एक का चुनाव करना पड़े, यदि आपके स्वास्थ्य आपका खराब है, स्वास्थ्य के लिए आप पहनना चाहते हैं तो लगन का रत्न पहनना चाहिए। एजुकेशन के लिए, वैवाहिक जीवन में सफलता के लिए, यंत्र मंत्र तंत्र में सफलता के लिए, रोमांटिक लाइफ को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए पंचमेश का रत्न आपको पहनना चाहिए। और साथियों, आप सरकारी नौकरी की तैयारी में हैं, आप बिजनेस व्यापार में लगातार आपको असफलताएँ प्राप्त हो रही हैं, आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, आपके पास घर हो, गाड़ी हो, लग्जरी लाइफ हो, अच्छी इनकम हो वगैरह वगैरह, कुल मिलाकर के आप अपने करियर को बैकअप देना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको 9th हाउस और 10th हाउस, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में या आपकी जन्म राशि, नाम राशि से 10वीं राशि का जो स्वामी है, यानी कि जो आपके भाग्य स्थान का आपके 9वें और 10वें स्थान के स्वामी हैं, उनके रत्न हमेशा ही आपके भाग्य को चमकाते हैं, आपको बैकअप देते हैं, आपको ऊपर उठाते हैं। अब बीमारी कुछ है, दवाई कुछ खा ली तो इस प्रकार से आप सुख नहीं भोग सकते। व्यक्ति को जिस तरह की समस्या होती है उसी तरह का उसका यदि आप उपाय करेंगे, उसी तरह की आप दवाई खाएंगे जो आपको प्रॉब्लम्स है, तो निश्चित रूप से कम टाइम में अच्छे असर आपको देखने को मिलेंगे। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति को प्रॉब्लम कुछ और है और उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वह रत्न धारण नहीं करता। जानकारी के अभाव में, ट्रेनिंग के अभाव में, अनट्रेंड लोगों से पूछ पाछ करके दूसरे रत्न को पहन लेता है और रत्न धारण करने के उपरांत सक्सेसफुल ना होने का एक बड़ा कारण जो है वह यह भी है कि रत्न कौन सा रत्न किस मेटल में धारण करना चाहिए, कौन सा रत्न किस दिन और किस समय धारण करना चाहिए, कौन से रत्न को धारण करते समय कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, इन सब बातों का भी आपको ज्ञान होना परम आवश्यक है। कौन से रत्न के साथ कौन सा रत्न नहीं पहन सकते, ये बहुत बारीक चीज़ें हैं जो आपको किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। आज का हमारा सब्जेक्ट था कि आप को यदि 3 रत्नों का आपकी राशि में सेट बैठते हैं तो तीनों में से आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए। कामना करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब और अच्छी जानकारी अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी करें। जल्दी ही मिलेंगे किसी ऐसी ही शानदार वीडियो में, निकट भविष्य में भी, वो भी मुस्कुराते हुए ऐसे। तब तक